एक मोटरकार है, ऐसा ही हमारा जीवन है समझ लीजिए, और परमात्मा ने हमें ये जीवन दे दिया। इस कार में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। अभी हमें मोटर चलाना नहीं आता तो हम एक तरफ ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी एकदम ही रुक जाती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो न जाने किस गड्ढे में पहुंच जाती है। तो धीरे 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 हम सीखने लगते हैं किस तरह से हम संतुलन इसका साध लें और उस संतुलन में हम जान लें कि मोटर चलाना क्या चीज़ है। जिस वक्त ये संतुलन एकदम सज जाता है और आपके अंदर स्वयं ही इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हो गए। अब अनजाने भी आप चला रहे हैं, आपका चित्त भी कहीं और हो तो भी आप ठीक से गाड़ी हाँकते हैं, फौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, फौरन आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं। इसमें आपको अपने पर प्रश्न करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचे समझे ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस प्रकार आपको कोई कह सकता है कि आप बहुत निष्णात बहुत होशियार ड्राइवर भी हैं, लेकिन तो भी आपका जो मालिक है, आपका जो मास्टर है, वो पीछे बैठा है। वो बीच बीच में आपसे कहता है भाई धीरे चलाओ, ज़्यादा चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप इस जीवन के अभी तक मालिक नहीं हैं। ये जीवन जो कि आपने सीख लिया है चलाना, हो सकता है कोई आदमी आपको ज़्यादा रुपया दे तो आप इसे छोड़ के वहाँ चले जाएं, या आप किसी गलत फहमी में पड़ जाएं, या आपको ये लगे कि अगर मैं मालिक ही नहीं हूँ तो इस गाड़ी को क्यों चलाऊं, मैं क्यों ना मालिक हो जाऊं। जब ये इच्छा आपके अंदर आ गई तब समझना चाहिए आप में महालक्ष्मी तत्व की जागृति हो गई, तब आप खोजने लगे, तब आप इस प्रयत्न में हैं कि क्या बात है कि मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूँ। संतुलन में आप आ गए जब आप धर्म से चल रहे थे, धार्मिक हैं आप, धर्म से रह रहे हैं, संतुलन में चल रहे, लेकिन तो भी अभी आप मालिक नहीं हैं अपने जीवन के। सहयोग से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद देती है तो आपके अंदर बसी हुई आत्मा आप में प्रकटित होती है और अब आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। और ये मालिक अंदर बैठा हुआ अपने अंदर जो ड्राइवर है और एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, तीनों को देखता और देखता मात्र है और सब चीज़ चल पड़ती। ये मालिक होना ही सहयोगी होना है। जैसे कि मनुष्य प्रलोभन में फंस करके बहुत बार अनेक गुलामियों में फंस जाता है, किसी को किसी चीज़ का प्रलोभन है, उसे पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं कि उस प्रलोभन में फंसे, वो चाहता नहीं कि गलत काम करे, उसको नफरत है इन चीज़ों से, लेकिन तो भी उसमें ताकत नहीं है कि वो इसको काबू कर ले। बहुत सी बातें वो कहना नहीं चाहता है लेकिन हठात उसके मुख से निकल आती और उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसी बात क्यों कही। उसका अपने जीभ पर काबू नहीं, अपनी रसना पे काबू नहीं, अपने क्रोध पे काबू नहीं है, सारे जो षड रिपु हैं वो उसके पैर के नीचे नहीं, उसके सर पे बैठे रहते। लेकिन जब वो अपना मालिक हो जाता है तो जब क्रोध भी करता है तो अपने पूरे शान में करता है, उसे क्रोध किसी भी तरह अपने बवंडर में नहीं ले पाता, लेकिन वो क्रोध को अपने हाथ में लेकर खेलता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये मिल्कियत पाने के लिए आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का
मालिक, वो देखते रहता है क्या कर रहे हो, करते रहो, जो करना है करते रहो। और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहाँ से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है, उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के लिए, और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्स कहते हैं, कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं, और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। या तो इस एक्सट्रीम पर है या उस एक्सट्रीम पे है, इस अति पे है उस अति पर है, अति को व्यर्ज करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया था कि बीच में रहने के लिए अति को व्यर्ज करना चाहिए। लेकिन यह संतुलन जब तक हमारे अंदर सत्ता नहीं, तब तक हम उड़ान भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई आदमी चट से पार हो जाता है, इसी में टाइम लगता है, उस पर संतुलन अभी नहीं। जीवन संतुलन आना पड़ेगा, तभी ये उड़ान होती है। और जब उड़ान होती है तब जैसे ऐसा आपका चित्त है और ये सारी आपके वॉइड में फैला हुआ है, यहाँ से कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है और इस जगह जब वो छेद देती है अपना ब्रह्मरंध्र, ये सारा चित्त आपका जो है प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित इस प्रकार होता है कि आप सत्य के प्रकाश में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि एकमेव सत्य जो है वो आप जानते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम जानना चाहें आज किसी के भी बारे में, तो हम जान सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। शुरू शुरू में जब लंदन में कार्य शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल हुई हमें, बहुत मुश्किलें हुईं। उसमें से एक महाशय जब पार हुए तो उन्होंने कहा, आप कहती हैं कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा का टेलीकम्युनिकेशन है और सारा ईथर जो है वो इनलाइटेंड है, तो क्या हम जान सकते हैं कोई सी भी बात? हमने कहा, कहले मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिन से चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनका कोई टेलीफोन आया, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे हाथ करके देखो, तो उनका अजीब बात है, इस जगह बहुत जलन आ रही। मैंने कहा ये सारे चक्र पिता के हैं, ये सारे, और ये उंगली जो है विशुद्धि की है, तो हो सकता है, अंग्रेजी मैंने कहा ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यू बेटर टेलीफोन। तो उन्होंने टेलीफोन उठाया, स्कॉटलैंड में उनके पिताजी थे, तो उनकी माँ टेलीफोन पर आई, उनका कि पिताजी कैसे हैं? कहला ही इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, जो मैंने शब्द का, जो मैंने वाक्य का उसी तरह का है, बिल्कुल वही उन्होंने कहा। तो ये अवाक रह गए कि माँ यहाँ बैठे बैठे हमने कैसे जाना। मैंने कहा भाई तुमने जाना, मैंने तो नहीं जाना। कहले फिर इसका इलाज? मैंने कहा इसका इलाज हम तुम्हें बताते हैं, इसके बंधन बताते हैं कैसे, थोड़े मंत्र बोलो अभी ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे बाद उनके माँ का फोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गए। अब ये कैसे होता है? अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविजन पे खड़े हो जाएं तो
दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा है। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविज़न, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीज़ें देख सकते हो, वो कहेगा रहन दीजिए ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है क्या, बेकार बातें सिखा रहे हो? लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहाँ से आने लग गए? सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ लें आपके रेडियो से या आपके टेलीविज़न से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यही ईथर, जिस तरह से मैंने कल बताया आपसे कि आप एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को भी एनलाइटन कर सकते हैं, ये ईथर एनलाइटन हो जाता है। और जब आप कोई बात सोचते हैं, क्योंकि आपका चित्त एनलाइटन है, तो आप जैसे कोई समझ लीजिए एक टेलीविज़न सेंटर बन गए और वहाँ से ये मैसेज गया और फौरन उसी क्षण तत्क्षण आपके पास खबर आ गई। क्या हुआ? तत्क्षण एक बार श्री रामदास स्वामी से श्री शिवाजी महाराज ने पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने कहा तत्क्षण। तत्क्षण एक कार्य होता है, पर किसी किसी में समय लग जाता है। उसका कारण ये कि उनका कुछ ढीला मामला है या कोई ज़्यादा ही कसा हुआ मामला है। अब समझ लीजिए अगर आप टेलीविज़न लेके आए तो तत्क्षण आपको सब दिखाई देता है, पर समझ लीजिए प्लग ही नहीं लगा तो उसे क्या करा जाए। इसी प्रकार जो कुछ भी आपको जानना है वो सारा जानना आप तत्क्षण कर सकते हैं।